बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको अनार के बारे में बताऊंगा, जो कि सर्दियों का एक बेहतरीन और लाजवाब फल है। ठंडे मौसम में खट्टे मीठे लाल अनार खाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अनार को आमतौर पर जन्नत का फल कहा जाता है। इसकी अफादियत भी बेपनाह है। माहरीन के मुताबिक अनार एंटी ऑक्सीडेंट है, जो अपने दानों में ही अफादियत नहीं रखता, बल्कि इसके छिलके में ही इतने कारामद होते हैं। इसमें फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फलाद और हाइड्रोक्लोरिकेस जैसे मादे पाए जाते हैं, जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ अफाल को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। अनार खाने के बाद इसके छिलकों को सब ही फेंक देते हैं। अनार एक बहुत ही हसास फल है। ये देखें, जैसे कि ये जब फट जाता है, ज़्यादा पक जाता है तो ये फट जाता है, या इसके छिलके के ऊपर जब डैमेज होता है तो उल्ली लग जाती है, फंगस जिसको कहते हैं, इससे अनार के अंदर तक जो है नुकसान हो जाता है, डैमेज होता है जिल्द के ऊपर। ये देखें, फंगस की जब बीमारी लगती है या ज़्यादा सर्दी की वजह से ये जो है जिल्द इसकी हार्ड हो जाती है, तो इस ऐसे अनार जो है फट कर दाने तक जो है ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, अनार जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके छिलकों को रात भर पानी में भिगो दें, तो सुबह उठकर चेहरे पर लगा लें और 20 मिनट बाद धो लें। आप देखेंगे चेहरे का जला हुआ कोई भी निशान होगा तो उसमें फाका नजर आएगा। बर्स के निशानात जो होते हैं, जिस्म पर सफ़ेद धब्बे या बर्स के निशानात को हल्का करने में अनार के छिलकों का पाउडर बहुत ही मुफीद है। अनार के छिलकों को 1 गिलास पानी में भिगोकर पीने से पेशाब ना आने या रुक रुक कर आने के मसाइल भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये जिस्म में बनने वाली इंसुलिन को कंट्रोल करता है। भूख न लगने की तकलीफ में अनार के छिलकों का पाउडर बहुत ही मुफीद है। ये गजा की नाली में मौजूद अजाफी गैस को खारिज करता है, ताकि ज़्यादा भूख लगे। दोस्तों, अनार का जूस पीने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। अनार के दानों को बीज समेत खाने से मैदा साफ रहता है, खून को इतदाल पर रखता है और खून की पैदाइश में मावन है। रोज़ाना अनार का जूस पीने से कमर के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा हो जाता है। अनार दिल की शरियानों को चर्बी से पाक करके खून के बहाव को बेहतर बनाता है। बीमारी और बुखार के दौरान प्यास की शिद्दत को कम करता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो अनार खाइए। इसके लिए इसमें रेशा होता है और इसे खाने से आपकी भूख भी कम हो जाती है। डाइटिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन और मुअसर दवा है। कंधारी अनार का वजन, एक सेहतमंद अनार का वजन तकरीबन 50 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक होता है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी होता है। जबकि बदाना अनार जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं लेकिन मज़ेदार होते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर 3 किस्म के अनार जो हैं बहुत ज़्यादा मकबूलियत के हमल हैं, जिनमें बदाना अनार जो साइज में छोटा होता है और लेकिन ये कि प्राइस में बहुत महंगा है। दूसरा कंधारी अनार है, जो साइज में बहुत बड़ा है और टेस्टी भी होता है और मज़े का है, लोग जूस भी निकाल के पीते हैं और खाते भी हैं। तीसरा अनार जो है वो कोटे वाला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट का हामिल होता है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त फल है, इसको ज़रूर खाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल KHOOJI खोजी से इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हमीर नासिर हो।